खरगोन जिले के टांडा बड़ो क्षेत्र में शासन प्रशासन के लॉकडाउन के द्वितीय चरण में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर 3 मई कर दी है, वहीं आमजन को भी लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने की सलाह दी गई है। इसी के चलते टांडा बरौल क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर माधव सेवा संस्थान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरे गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर ट्राली में गेहूं एकत्रित किए गए ताकि गरीब बेसहारा और गरीब आदिवासी भाइयों को भोजन संबंधित कुछ राहत मिल सके। इसी के चलते क्षेत्र के ग्रामीणों में आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ अपने मदद के हाथ आगे बढ़ाएं। ज्ञात रहे उक्त एकत्रित अन्नदान पुलिस प्रशासन के माध्यम से गरीबों को बंधु प्रसादम के रूप में भोजन के पैकेट का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर माधव सेवा संस्थान के अध्यक्ष जेसी कुमरावत, चंपालाल कुमरावत, ललित सोनी, सरपंच गीना अछावे और अन्य पदाधिकारी, सहयोगी सदस्य, ग्रामीण और बरौर के पत्रकारगण मौजूद रहे। बरौर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये हम लोगों ने जैसे कोविड-19 चल रहा है और डेट बढ़ गई थी, करीब 3 मई हो गई है, तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी ये था कि जो निराश्रित और निर्धन परिवार है इन लोगों के खाद्य की व्यवस्था की जाए, उनकी सेवा की जाए। तो हम लोगों ने जो अलग अलग गाँव में गए हैं वहाँ पर लोगों से जन सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार का दान दीजिए। उसमें लोगों ने गेहूँ है, जैसे जो बना जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है और जो भी सब्जी सामग्री थी ना, उन्होंने हम लोगों को दी और हम लोगों ने वो कलेक्ट करके अलग अलग गाँवों से कलेक्ट करके एक जगह पर सो इकट्ठा किया। उसके बाद में हम लोग यहाँ से देवनालय गाँव में जो थोड़ी ट्राइबल बस्ती है तो वहाँ पर बांटा। उसके बाद में डोंगा चीज था वहाँ पर हम लोगों ने बांटा था। तो करीब हम लोगों ने 8 क्विंटल आटा और 1 क्विंटल दाल और 1 क्विंटल चावल और उसमें सब्जी कुछ दिया ना, ये हम लोगों ने वितरित की और 45 किलो के लगभग तेल हम लोगों ने वितरित किया ना गरीब परिवारों में। ये आगे भी लक्ष्य जारी रहेगा सर? हाँ, ये अभी आगे भी लक्ष्य जारी रहेगा क्योंकि हम लोगों ने और भी गाँव में उन लोगों ने सहयोग से मांगा है कि आप अपने खाद्यान्न सामग्री जो गरीब निराश्रित परिवार है उनके लिए इकट्ठा करें और उनमें बांटें। तो अभी और जारी है, आगे भी हमारे पास में ऐसा लगभग 50 क्विंटल गेहूँ इकट्ठे हुआ है तो हम वो उनको गेहूँ पिसवा कर आटा पिसवा कर 5-5 किलो का बंच बनवा कर गरीब परिवारों में वितरित कर रहे हैं। क्या नाम लिखते सर आप? पिंटू कुमार बघेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलेक्टर साहब द्वारा कर्फ्यू आदेश लगा दिया है क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हमारे यहाँ बहुत केस पॉजिटिव हो रहे हैं। तो मेरे द्वारा सभी से यही अपील की गई कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें, मुंह पर कपड़ा बांध कर रखें और किसी से मिले नहीं, बाहर ना जाए, घर पर ही रहें। हम दोनों प्रशिक्षु DSP है, वर्षा और मेरा के सारे थाना प्रभारी बरौड़ के जो बघेल सर है उनसे हमने संपर्क किया और जो गरीब लोग हैं उनसे उनको चिन्हित करके हम लोगों ने उनमें खाद्यान्न वितरण किया। क्योंकि अब ये समय सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गरीब है अपने खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने उनको चिन्हित किया और जाके उनको खाना दिया और हमें इससे बहुत संतुष्टि मिला। पुलिस प्रशासन बरौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और माधव सेवा संस्थान बरौड़ तथा ग्राम पंचायत बरौड़ के नेतृत्व में दूर सुदूर ग्रामवासी बंधु जो वन क्षेत्र में रहते हैं और प्रतिदिन कमाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं उनके भोजन की उचित व्यवस्था हेतु ग्रामवासियों से गेहूं संग्रहण का ये कार्य किया जा रहा है। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम पूर्वित भावसार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।